लोग अपने बच्चों को बड़ा करके बाहर भेज देते हैं, वहाँ बच्चा इस दिशा में जा रहा है। दिन जो है हम पूरे साल इंतजार करते हैं कब ये दिन आए, खुशियों भरा दिन आए। वो कहते हैं ना कोई भी काम शुरू करना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता जी ने सहमति दे दी, मतलब बल्ले बल्ले अब तो। कृपा पूरी परमात्मा की, बालाजी महाराज की, कि लगातार तीसरा साल है सेवा ले रहे हैं बालाजी महाराज, उनकी पूरी कृपा है। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव गाय, जय शंकर की। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं अपनी हनुमान सभा में। आज बहुत बढ़िया महोत्सव होने वाला है वहाँ पे। सभी हमारे जितने भी चिराग महाराज, यार फिलहाल तो हम चिराग महाराज को जानते हैं, आगे जो उनसे महाराज हैं वो उनसे मिलाएंगे, और वो 21 दिन के व्रत पे बैठने वाले हैं हनुमान जी के, और उसके बाद जो पानीपत के हनुमान मशहूर हैं, यस वो उठाए जाते हैं महाराज जी। पिछले साल याद होगा आप लोगों ने सबने वीडियो देखी होगी, जिसे नहीं देखी वो देख भी सकते हैं। हम लोग स्पेशली पानीपत गए थे हनुमान देखने के लिए, क्योंकि मैंने भी कभी देखे नहीं थे, तो आयुष ने बोला चलो इस बार जाते हैं। चिराग महाराज पिछली बार पानीपत में उन्होंने स्वरूप उठाया था, इस बार करनाल से उठाने वाले, वो भी पहली बार करनाल में पहली बार उठने वाला स्वरूप। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है, और बाकी की डिटेल देंगे। यार हमें भी नहीं इतनी पता, बाकी की डिटेल तो आपको चिराग ही देगा भाई। इसके लिए रात को चिराग को मैंने कह दिया था भाई मेरी बात सुन, फर्स्ट टाइम है, हमें भी नहीं पता, तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटर से। तो भाई चलो चलते हैं सभा में और मिलते हैं अपने सभी साथियों से। सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके बाल मुक्ता फड़ाची जय वीर बजरंगी। आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, आज हमारा पहला 21 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस खुशी में सभी महाराज, सात्विक महाराज, हमारे यतिन महाराज, प्रेम महाराज, लव महाराज, कुणाल महाराज को उनके निवास स्थान से लिया जाएगा। और ये दिन जो है हम पूरे साल इंतजार करते हैं कब ये दिन आए, खुशियों भरा दिन आए। हमारे ये सभा नहीं, हमारा एक परिवार है, पर अब एक ऐसा समय है कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं। अब 21 दिन तक खाना पीना सोना हर चीज़ हमारे है और महाराज के साथ है। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि 10 अक्टूबर को पहला हमारा स्वरूप धारण होगा, तो सभी जितना पहुँच सकें उतना अच्छा है। अपने घर पर चरण पड़वाने के लिए भी संपर्क करें, फ़ोन नंबर है 7056250559। जय सिया राम, जय कराए वीर बजरंगी, महादेव जो बोले सो निर्भय। नमः पार्वती पते। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हमने अब आपको वीडियो में बताया था कि एक महाराज जी के घर पे जा रहे हैं और उनको वहाँ से ले के आते हैं मंदिर में, ताकि वो 21 दिनों के लिए पाठ पे बैठ सकें और उसके बाद में हनुमान जी का स्वरूप धारण करके
घरों में जा सके, उनके दुखों का निवारण कर सके। तो आप बच्चे के पापा लगते हैं जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब 21 दिन के लिए अभी ये जाएगा, फिर बाद में वो मुकुट भी धारण करेगा और लोगों के घर में भी जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी कभी गया है? एक बार पहले गया जी, है। जी जी, मतलब सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी आती हो पीछे से? कोई परेशानी नहीं। आप क्या लगते हैं? दादी लगते हैं। आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि आप होता जा रहा है अभी 21 दिन के लिए हनुमान जी की सेवा में? बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें नम है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। आप क्या लगते हैं? मैं मम्मा लगती हूँ। मम्मा लगते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस होता है आज के युग में, जहाँ लोग अपने बच्चों को बड़ा करके बाहर भेज देते हैं, वहाँ बच्चा इस दिशा में जा रहा है। देखो, बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए 21 दिन के लिए बच्चे को भेजना। अभी आप मिल भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। नहीं, मिल सकते हैं। ऐसा सुना था ना, माँ बच्चा जब नंगे पैर पूरे शहर में नंगे पैर घूमता है, एक टाइम खाना खाना होता है वो भी बिना नमक, वो एक बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप शक्ति है वो चीज पर। ठीक है, जब हनुमान जी साथ हैं भी ठीक है, राम जी का आशीर्वाद है। जाने के लिए पूरे प्रिपेयर हैं, जय श्री राम। मतलब जब पहले गए थे तो अब तो थोड़ा हौसला खुल गया होगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं। नहीं, हौसला पहली बार में ही खुला हुआ था। पहली बार में खुल नहीं, अब थोड़ा भगवान की वो कृपा थी कि पहली बार विश्वास नहीं होगा तो पहली बार उठाई है इसने। क्या बात है, वो जोश, वो हमने वो चीज देखी थी, हम हैरान थे, जैसे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हमारे घर हुए थे। बहुत बढ़िया, और वो भी अपने बेटे के रूप में करना और भी अच्छी बात है। तो चलते हैं, अब इससे आगे निकलते हैं, और अब निकलना हमें अर्जुन गेट। अब कौन से महाराज जी को लेना है चिराग जी? यतीन महाराज जी को वहाँ से लेंगे और उसके बाद वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। जय श्री राम। पहले सभी को हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम। इस समय हम लोग हैं भाई यतीन महाराज जी के घर पे, ठीक है? तो मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगा, सबसे पहले इनकी फैमिली से। दादी जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मम्मी जी, बहुत अच्छा। सिया राम जी इसकी लंबी उम्र करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पहले भी आपने उठाई है? नहीं, व्रत करें। हाँ जी, तो देखो परिवार की जो मतलब खुशी है ना, वो देखने में चलती सबकी। चार बहनों को देखो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू करना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता जी ने सहमति दे दी, मतलब बल्ले बल्ले अब तो। जय श्री राम। Yeah.
हर हर महादेव। जय श्री राम सभी को। आज पुनः एक साल बाद दोबारा महाराज चिराग महाराज जी के घर पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है चिराग महाराज? बहुत अच्छा लग रहा है, कृपा पूरी परमात्मा की, बालाजी महाराज की, कि लगातार तीसरा साल है सेवा ले रहे हैं बालाजी महाराज, उनकी पूरी कृपा है। बहुत बढ़िया। हर साल आपका लड़का जाता है 21 दिनों के लिए व्रत पे बैठता है, महाराज जी को घर लेके आता है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा से महाराज का स्वरूप धारण करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा आपका बच्चा जब जाता है 21 दिनों के लिए, तो घर में कमी भी खलती होगी किसी सामान लाने की, कभी कुछ लाने की। हाँ जी, वो तो है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपना। तो अभी बीच बीच में जाते हो उससे मिलने? हाँ जी, बीच बीच में जाते रहोगे मिलने। आप सब परिवार वाले ही हो? हाँ जी। तो आपको कैसा फील होता है, मतलब 3 साल से जा रहा है, हनुमान जी का स्वरूप लेके आ रहा है घर में, बहुत अच्छा लगता सभी को। तो अभी चलते हैं यार, यहाँ से निकलते हैं सीधा सेक्टर 14 मंदिर के लिए, महाराज जी को देते हैं वहाँ पे स्थान और करते हैं हवन और शुरू करते हैं अपने 21 दिन की इस यात्रा को। वीर बजरंगी हर हर महादेव। पहले तो बहुत बहुत आभार, शुक्रिया शुक्रिया कि हमारे अंकिल भैया यहाँ पर आए, हमने एक बार कहा आज से ये इस परिवार का सदस्य भी हमारे। और चलो मैं तो एक बात कहूँगा, सब पहले सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे इस सभा के सारे भाई, दूसरे रामनगर सभा के सारे भाइयों को भी जय श्री राम, जय श्री राम, जो इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल, ठीक है पिछले साल की बात है, मैं पानीपत गया था, ठीक है बिल्कुल जी, आपको मिलने के लिए आया था पानीपत में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई दोबारा कभी सेवा का मौका जरूर देना, मुझे ये नहीं पता था कि अगले बार करनाल भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा बिल्कुल, कि मतलब अब हमें पानीपत नहीं जाना पड़ेगा, हमारे करनाल में हमारे महाराज हैं, यहीं मिलेंगे बिल्कुल।